अन्नपूर्णा देख क्या बेटी दुर्गत मन्ने माफ। एक बार फिर बोला पापा, कितने दिन गुजर गए आपके मुंह से प्यार से अपना नाम ना सुना, बस बस एक बार फिर। मेरी दुर्गा, मेरी तो डॉक्टर, मैं अभी वहां पे आ रहा हूं। आरती गायत्री के साथ है, बाकी सारी रिपोर्ट्स आ गई। प्लीज आप जल्दी मंगवाइए। ओके पापा, माँ और आरती हॉस्पिटल में क्यों है? पापा आप किसके रिपोर्ट्स की बात कर रहे थे? माँ हॉस्पिटल में क्या कर रही, क्या हुआ उन्हें? फुर्सत मिल गई तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के बाद, अब याद आ रही तुम्हें अपनी माँ की? क्यों गेतन से लंगड़ा के क्यों चल रही है? कुछ नहीं बाबा, वो शायद मोच आ गई है, कोई ना ठीक हो जाएगी। तू ठीक है ना? तू? हाँ हाँ बाबा मैं ठीक। माफ कर दिया ना मेरे को बेटा, तू बहुत परेशान कर दिया ना तेरे को हमने, बात नहीं की तेरे से कई दिन, कितना सुना दिया तेरे को, आगे बढ़ने से भी रोक दिया तेरे को। नहीं नहीं इतना ही नहीं बाबा, आपने तो मुझे जेल भी भेज दिया था। नहीं मतलब जेल, इतना जुल्म ना तो जालिम भी नहीं करता। अब तू अपनी जान देने पे तुल गई थी तो तेरे को बेवकूफी करने देता के मैं? करना था ना मेरे को कुछ तो। नहीं बाबा मुझे पता है, इसमें भी आपका प्यार और आशीर्वाद ही है, और वैसे भी मैं तो आपकी जान हूँ, तो अपनी जान के साथ चाहे जो करे मेरी भला से। फिर भी तू कितनी जिद्दी निकली, अरे जेल में बंद कराने के बाद भी मणकी कर ली इसने अपनी। हाँ तो ये जिद भी ना मुझे आप ही से मिली है, जैसे मैंने जिद पकड़ी कि मैं जीतूंगी और करके दिखाया, वैसे ही आपने एक जिद पकड़ी कि आप मने कोई नुकसान ना पहुंचने दोगे, और इसलिए वहां आके वो बैरिकेड्स लगा दी ताकि मैंने कुछ। नहीं नहीं ऐसी कोई बात ही नहीं है। किसी ने बोला तेरे को ये बात? अच्छा? नहीं देख देख मैं तो वहां था ही नहीं, पूछ ले इसको, बता अन्नपूर्णा, मैं था ही नहीं वहां पे। बाबा मैंने सब पता, मारे खबरी ना चारों ओर फैले हुए। किसने बताया तेरे को? दुर्गा तन्ने तो कमाल कर दिया, हाँ आखिर सबका मुंह बंद कर ही दिया। मनु कोई मेरे परिवार से ना आया? वो आए ना जिनके आने से तन्ने सबसे ज्यादा खुशी मिलती दुर्गा, थारे पापा। तन्ने पता है इतनी नाराज की मैं भी, उन्हें थारी सबसे ज्यादा फिक्र थी, और तो और दुर्गा उन्होंने तन्ने बचाने का सारा इंतजाम कर रखा था। सच्ची?
कार्तिक तू तुम्हारे साथ मजाक तो ना कर रहा ना, मैंने बनाने के लिए तो ना बोल रहा ना। तेरे का पागल है क्या? मैंने पता है ना ये थारे लिए कितना कीमती है, झूठ थोड़ी बोलूंगा। भगवान तेरे को लंबी उम्र दे, सदबुद्धि दे, बस तेरे जीवन का लक्ष्य ही हम लोगों का मकसद है। हाथ है तेरे सब, टेंशन मत लेना तू, सब ठीक हो जाएगा। मैं भी थारे साथ सू बेटा। मैं कुछ समझ नहीं रहा हूं आप क्या कह रहे हैं। लेकिन हम अच्छी तरह समझ गए। गायत्री और हम सब ने देखा तुम्हें दुर्गा की रेस में ट्रक चलाते हुए। प्रिंस, तुमने एक बार भी नहीं सोचा अगर उस स्टंट में तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हारी माँ का क्या होता? उसकी सांसें तुम्हारी जिंदगी के साथ जुड़ी हुई है। मेरा क्या होता? इकलौते बेटे हो तुम हमारे। लेकिन नहीं, तुम्हें तो लोगों के साथ कुछ महीने पहले जान पहचान हुई है, उनकी हमसे ज्यादा फिक्र है। माँ बाप जिए या मरे क्या फर्क पड़ता है? और क्या हुआ है माँ को आप बताएंगे? जो हाल तुम्हारा दुर्गा को अपनी जान खतरे में डालते हुए देख के हुआ था, वही तुम्हारी माँ का हाल तुम्हें अपनी जान जोखिम में डालते देख के हुआ है। उसका ब्लड प्रेशर शूट अप हो गया, शुगर लेवल्स डाउन हो गए, इतनी हालत खराब हो गई कि इमरजेंसी में उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। लेकिन तुम्हें तो सिर्फ उस लड़की की परवाह है। आज तुमने साबित कर दिया कि लड़का बड़ा होने के बाद अपनी माँ को भूल जाता है। माँ को अचानक क्या हो गया? कुछ समझ में नहीं आ रहा। माफ कर दे मन्ने, माफ कर दे बेटा, तारी दादी ने घना दुख दिया तने। दादी माफी ना मांग। तू तो जाके के बैठ गया रे ये सपाड़, अपनी अम्मा के गले ना लगेगा। दूर रह के बड़ा खून जलाया तन्ने मारा, पर जाना लूंगी तारे से। गुस्सा थोक दो, माफ कर दो भाई साहब, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। क्या कर दिया मैंने भाई साहब? Thank you.
बेटा ये जो मैंने किया ना उसके लिए माफी बहुत छोटा शब्द है, पर फिर भी लाडो अगर हो सके तो मैंने माफ कर दी अपनी लाडो को अपने से दूर जो किया। नहीं चाचू, माफी ना मांगो, बस बस मैंने आशीर्वाद दो क्योंकि अभी चैंपियनशिप तो बाकी है ना। आशीर्वाद तो हमेशा सारे साथ है बेटा। बेटा यो रेस के तू अपनी जिंदगी की सारी रेस से जीतेगी, हमारी चैंपियन सर तू जीतेगी। अरे तू ठीक है ना? बाबा क्या कर रहे हैं बाबा आप? हमारे पैर ना छू। नहीं क्यों, क्या बात होगी? अरे को पहली बार थोड़ी ना छू रहा हूं। तेरे को पता है जब तू छोटी थी ना तेरी माँ तो डेढ़ पसली थी, बात बात में बीमार होकर मिस्तर पकड़ लेती थी, तो तेरी मालिश कौन करता था? काम में पहलवान करता था तेरी मालिश। भाई तो ये वही पैर वही मैं, तो क्यों नहीं छू सकता तेरे पैर में मलम लगाने के लिए? हैं? चुप रख दे। ये तो आपका आशीर्वाद है, इसे ना पूछो। आज तुमने एक बार फिर हम लोगों का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।